हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत नमस्कार है गाइस। यहाँ पर आज की रीडिंग है कि चुने एक कार्ड और जाने कि आपको अपने बारे में क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे पांच फाइल रखे रहेंगे गाइस, ध्यान से चुनिए कि आपके बारे में कार्ड क्या कहना चाहता है, यानी आपको सुनना क्या बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन। जल्दी से चुन लीजिए गाइस, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपको क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए बोला जा रहा है कि खुद पे ट्रस्ट रखें, आत्मविश्वास को कायम रखें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, विश्वास की कमी है, तो उस विश्वास को, उस कॉन्फिडेंस को बनाकर, उस लेवल को बनाकर हाई रखें यहाँ पर। या अगर नहीं आप में उतना कॉन्फिडेंस आता है गाइस, तो आप योगा करें, मेडिटेट करेंगे। देख रहे हैं चित्र में कि एकाग्रता से, विश्वास से ही डिवाइन को पाया जा सकता है, ईश्वर को पाया जा सकता है, या खुद को भी पाया जा सकता है गाइज। यहाँ पे बोलते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा होती है। अगर आप अपने आत्मा को जान लिए तो आपने परमात्मा को पा लिया गाइज। तो यहाँ पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, तभी जाके आपकी लाइफ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेगी, सफल रहेगी। इसके लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, तब जा कि आपका जो हो रहा है वो बहुत ही पावरफुल बनेगा गाइस। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, कोई भी आप काम कर रहे हैं गाइस, चाहे वो लव लाइफ से संबंधित हो, चाहे वो वर्क से संबंधित हो, चाहे वो रिलेशन को लेकर हो, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर पार्टनर के साथ व्यवसाय कर रहे हैं, तो उन कामों में थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, उस कामों को थोड़ा सा रोक दीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि अभी नॉट इज़ राइट टाइम, आपके पास अभी सही समय नहीं आया है। कार्ड के द्वारा बोला जा रहा है कि जो भी काम कर रहे हैं उसको थोड़ी देर के लिए टाल दीजिए, वेट कर लीजिए, उसके बाद अगर आप अपना काम करते हैं या कोई चीज़ ऐसा चीज़ करते हैं तो आपको सक्सेस और सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके लिए उचित समय नहीं आया है काम करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन ये मान के देखिए, ये ओरिकल्स कार्ड होते हैं गाइज। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। आपके लाइफ में गाइस, थर्ड ऑप्शन, बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं गाइस। देख लीजिए, बिग हैप्पी चेंजेस, यानी बहुत ही खुशियों वाला माहौल आ रहा है। किसी किसी की शादी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, लव पार्टनर मिल सकता है, या तो कुछ ऐसी खुशियां आपके अंदर जो बहुत दिनों से आपको मिली नहीं थी वो मिलने वाली है। ये सुनना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आपके जो लाइफ का परिवर्तन है बहुत खुशियों से भरा हुआ होगा, बहुत अच्छाई से भरा होगा, बहुत सुनहरी यादों से भरा होगा, सुनहरी खुशियों से भरा होगा, यानी गोल्डन पीरियड आपका शुरू हो गया है गाइज। यहाँ पर जिन्होंने फोर्थ फाइल चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। वन ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आपका अगर देखिए कोई काम बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है, फोर्थ ऑप्शन, या आप बहुत ही तकलीफ में हैं, पीड़ा में हैं, वर्क को लेकर या रिलेशन को लेकर या तो फिर आर्थिक स्थिति को लेकर, तो यहाँ पे एंजल बोल रहे हैं कि आप एक साल तक थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए, तो जाके आपका काम पूरा होने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, देख रहे हैं कि डिवाइन जो है आपको देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा आपका कार्मिक लेसन चल रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही है, ऐसी परीक्षा आपकी चल रही है कि आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा है गाइस। तो यहाँ पे आपको ओरिकल कार्ड से बोला जा रहा है कि आपको वन ईयर तक वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो भी काम है वो बहुत ही सक्सेसफुल्ली आगे जाएगा, बहुत आप सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। ये जो वन ईयर है इसमें थोड़ा रुक रुक के काम चल जो
जो आपका काम बहुत तेजी से नहीं चल पाएगा, जो आपका काम रुक रुक के चल रहा था, वो स्लो चल रहा था, स्लो डाउन हो रहा था, वो ऐसे ही चलेगा 1 साल तक। लेकिन 1 साल के बाद आपका काम बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, बहुत ही सक्सेस को छुएगा और बहुत बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में सक्सेस और सफलता आएगी, और ऐसा लगेगा कि आपने पूरे संसार को जीत लिया। जिन्होंने 5th फाइल चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। रोमांस आपके लाइफ में गाइस, 5th फाइल जो है आपको सुनना ये ज़रूरी है कि आपकी अगर सगाई नहीं हुई तो सगाई होने वाली है, आपका जीवन साथी नहीं मिला है तो जीवन साथी मिलने वाला है, यानी लवर आपका मिलने वाला है, जिसके साथ आप ढेर सारा रोमांस करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे, आप दोनों की बॉन्डिंग जो है, जो आप दोनों का रिश्ता है, रिलेशन है, वो बहुत बहुत रोमांस से भरा होगा, प्यार से भरा होगा, स्नेह से भरा होगा, और आप दोनों जब मिलेंगे तो आप दोनों का जो लक है वो बहुत तेजी से खिलेगा, और आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा आपके प्यार में, आपके इकरार में। यहाँ पर ये 5th फाइल के लिए है गाइस, यानी आपके लाइफ में सुनना ये ज़रूरी है कि बहुत रोमांस से चीज़ें भरी हुई आ रही है, प्यार से संबंधित चीज़ें आ रही है, जो आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी करने वाली होगी। अगर ये फाइल अच्छा लगता है गाइस, तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।